यूं तो आजकल कोई भी चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। लोगों द्वारा हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य होने की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चमत्कार आज भी देखे जा सकते हैं जिनके आगे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सारे सर्वे फेल हैं, और कोई ठोस तथ्य भी आज तक उनके हाथ नहीं लगा जिससे वो इन चमत्कारों को झुठला सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक विशाल चमत्कारिक मंदिर जगन्नाथ की। उड़ीसा की धार्मिक नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर आस्था के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4,00,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। फिर भी इस मंदिर की छाया कभी नहीं देखी गई है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। पुरी में किसी भी स्थान से खड़े होकर अगर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो हमेशा अपने सामने ही लगा दिखेगा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने पर ही समुद्र का किसी भी तरह का शोर सुनाई नहीं देता, जबकि मंदिर के बाहर निकलते ही इस शोर को सुना जा सकता है। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपे होने की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज तक कोई भी इन राज को नहीं जान पाया है। आज तक किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला है। ये रहस्य दशकों से जिंदा है और सदियों तक यूं ही कायम रहेगा।